नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा इस वीडियो में आपको बताऊंगा 3 BHK के फ्लैट के वास्तु के बारे में। मैंने अपने एक क्लाइंट को बॉम्बे में ये फ्लैट दिलवाया है, ठीक है ना। 3 BHK का है ये बिल्डिंग का प्लान है, तो इसमें मुझे ये 4 नंबर फ्लैट पसंद आया। ये तो मुझे ये देखिए नॉर्थ है, ये ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो पूर्व अग्नि का द्वार हो गया। पूर्व अग्नि का द्वार शुभ होता नहीं, इधर ईशान कोण कट गया तो ये तो बेकार था। इधर जो है ये हो गया पूर्व अग्नि का द्वार हो गया तो ये भी गलत है, फिर ईशान कोण कट गया। ये पश्चिम निरुत का द्वार हो गया तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। द्वार ही गलत है तो यहाँ आदमी सुखी रह ही नहीं सकता है। इसके बाद आ जाइए इस पर, तो ये हो गया उत्तर वायव्य का द्वार, फिर ईशान कोण कट गया यहाँ पर। तो ये चारों फ्लैट का तो वास्तु बहुत ख़राब है। अब ये हमने फ्लैट लिया तो इस फ्लैट में ये पूर्व उत्तर ईशान का द्वार है, लिफ्ट ये जो है उत्तर में आ रही है तो बाहर की तरफ है, तो मतलब पर गड्ढा बाहर की ओर उत्तर की ओर है। ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग है, ये किचन है। किचन इसका आ गया उत्तर दिशा में, वो फ्लैट यहाँ तक उत्तर दिशा में आ गया। उत्तर दिशा में किचन होता है तो घर की महिलाएँ समझदार होती हैं और घर के पुरुषों को कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। ये टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए आदमी हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, ये द्वार जो हमने यहाँ पर यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट किया है क्योंकि ये उत्तर वायव्य का द्वार था तो ये पॉसिबल था, ये दीवार टूट सकती थी तो ये यहाँ कर दिया, ये दरवाज़ा बंद हो गया और यहाँ से दरवाज़ा कर दिया। ये इसका वो है क्या बोलते हैं टॉयलेट है इसके साथ, और ये कट छोटा, ये जो है कॉमन टॉयलेट है, गेस्ट टॉयलेट कह लीजिए आप इसको। तो इस तरीके से ये दीवार इधर करके हमने इसको सही कर दिया, इस कमरे का वास्तु भी ठीक। इधर इसका जो द्वार है ये तो सही जगह था ही, और ये जो द्वार है ये ये तो ये अब देखिए होता क्या, कई बार कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे ये बिल्कुल रिजेक्ट हो गए और लेना भी है तो ये कंप्रोमाइज़ है थोड़ा सा, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेडरूम का द्वार ठीक है पर ये साउथ वेस्ट बढ़ रहा है तो यहाँ थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया गया है, ठीक है ना। तो ये मैंने देखा तो वेस्ट ऑफ द साउथ वेस्ट बढ़ रहा है, ये कंप्रोमाइज़ है थोड़ा यहाँ पर। दूसरा पर ठीक है, कुल मिला के ये महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि ये ठीक है, यहाँ ये तरक्की करेंगे, सुखी रहेंगे, दिक्कत नहीं है। पर हाँ, इन इससे होने वाली समस्याएं उनको आएंगी थोड़ी बहुत। ये द्वार यहाँ था तो हमने इसको पीछे करा, यहाँ पर यहाँ से उठा के इसको पीछे करा ताकि ये स्ट्रेट हो जाए, यहाँ से ये स्ट्रेट हो गया। ये दीवार मोटी, आजकल क्या हो गया, कालम की जगह मोटी दीवार बनाने लग गए हैं। कालम वाला काम इसलिए कि कहीं भी कालम नहीं है, ये दीवार मोटी, जो दीवार मोटी है ये कालम का काम कर रही है। ये दीवार मोटी, ये दीवार मोटी है, ये दीवार मोटी है, ये सब कालम है। ये पतली दीवार जो है ये मतलब वॉल है, अपन जो बाद में बनती है, यानी पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो टिका हुआ है, जैसे मोटी वॉल है, ये मोटी वॉल, ये वाली वॉल है जो कालम का काम कर रही है। तो ये फिर आपका पूर्व ईशान का द्वार हो गया, स्ट्रेट हो गया। और यहाँ पर जो है ये आपका दक्षिण नैऋत्य में बढ़ाव है, पर ये आधे के करीब हो गया, इससे क्या होता है बचाव हो जाता है थोड़ा सा, यानी कि आधा हो जाता तो बचाव हो जाता है। ये गल इसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, इसका ये कट आया है यहाँ पर, ये चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये भी यानी कि एक कंप्रोमाइज़ है, पर ठीक है, ये कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो ये हो गया यहाँ पर, और इसका टॉयलेट हो गया, तो ये वास्तुकुल हो गया। इसका दरवाज़ा उन्होंने पीछे की तरफ खिसका दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ से हटा के इसको यहाँ लगा दिया। तो ये भी दरवाज़ा वास्तुकुल हो गया, ये दरवाज़ा वास्तुकुल है, और ये भी सही जगह पर है किचन, ये सब व्यवस्थित है, मेन डोर भी सही जगह पर है, वास्तुकुल जगह पर है। तो यहाँ जो सज्जन रह रहे हैं लगभग 3 साल हो गए उनको रहते हुए, यहाँ तरक्की कर रहे हैं, उनको काम भी खूब मिल रहा है, टीवी इंडस्ट्री में वो जो है काम करते हैं, उनका अच्छा जॉब वॉब चल रहा है, अच्छा जॉब चल रहा है, और धीरे धीरे तरक्की हो रही है, और घर में सुख शांति है, बच्चे भी तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लेते हो ध्यान रखिए, आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। ये कंप्रोमाइज़ हम कर सकते थे, इन ऐसे फ्लैट बिल्कुल मत लीजिए, यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं। और ऐसे फ्लैट में बोलते हैं आजकल लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, बस उनके दोषों के हिसाब से उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ चल रही होती हैं, तरक्की हो नहीं होती है। अब ये लोग हमेशा कर्जों में रहेंगे क्योंकि ईशान कौन कटे हुए इनके, इसका ईशान कटा है, कर्जे में रहेंगे, परेशान रहेंगे। इनमें कर्जा भी है, घर में विवाद भी चल रहे हैं, इधर कर इसका तो ठीक है, इसका यहाँ भी ये स्थिति है, ठीक है ना।
मतलब विवाद वाली स्थिति इससे हो गई, ये आर्थिक स्थिति खराब है, कर्जा वर्जा परेशानियाँ चल रही घर में, इधर जो है ये जो है इस कट के कारण और ये द्वार कारण ये अपने मौज मस्ती भोग विलास पे पैसा बर्बाद कर रहे हैं और आर्थिक स्थिति खराब है, घर में दिक्कतें चल रही हैं। इस तरीके से हो जाएगा, उत्तर वायु का द्वार है ये, बदनामी लाने वाला विवाद वाला रहता है ये, ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों जब भी आप फ्लैट लें तो फ्लैट का सिलेक्शन ही प्रॉपर कर लें तो ही समझदारी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।